मेरा नाम नवीन है, मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ। आज जो बजट आया है वो काफी सराहनीय है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए। जो सरकार ने 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी है वो हम जैसे प्राइवेट लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। मैं सरकार की इस बजट की बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। आज जो बजट पेश किया गया है वो निश्चित तौर से विकसित भारत के जो सपना देखा है नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत के लिए, उसके लिए लाभप्रद है। क्योंकि इस बजट के माध्यम से उन्होंने समाज के युवा, महिला, किसान के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। और खासकर जो करोड़पति दीदी बनाने का जो है योजना, वो काफ़ी निश्चित तौर महिलाओं के लिए लाभप्रद रहेगा। इसके अलावा जो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर विशेष सरकार ध्यान दे रही है, सड़कें हैं, पुल है और रेल सुविधा, हवाई सुविधा पर विशेष सुविधाएं दी हैं। इससे निश्चित तौर से आने वाले दिनों के लिए देश के लिए फायदेमंद है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बजट अच्छा ना लगे, टैक्स क्यों? प्लान में जो 7 लाख किए गए उसको क्या कहेंगे? हाँ, जो मेन बात है, जो मध्यम वर्ग से जो लोग आते हैं, जो नौकरी पेशा है, उनकी एक उम्मीद होती है कि उनको आपके इनकम टैक्स में, स्लैब में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो कुछ चीज़ें तो हमको बर्दाश्त करनी पड़ेगी अगर देश का विकास चाहते हैं तो। मेरा नाम रंजना सोलंकी है। मैं लता गैस का एजेंसी है मेरी, और पिछले 25 सालों से इस व्यापार में हूँ मैं। और मैं मतलब सरकार की योजनाओं को काफ़ी अच्छे से हमेशा से चिंतन मनन करती आ रही हूँ, तो मुझे ये मौका दे रहे हैं आप कि मैं इस माध्यम से अपनी बात को इस मंच के थ्रू रख सकूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी, देश भारत सरकार की, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो इनोवेटिव और समावेशी है, जिसमें महिलाओं का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो लखपति योजना, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उनको दे करके, चाहे ऋण दे करके, चाहे सब्सिडी के द्वारा जो है सब्सिडाइज मुद्रिका लोन वगैरह दे करके उनको सशक्त बनाने की मुहिम है, जिससे कि गरीबी कम से कम 3 करोड़ महिलाओं, जो आज उन्होंने कहा कि 3 करोड़ महिलाओं के लिए उन्होंने रखा है, कि आगे उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन और गरीबों के लिए हर तरह से जो योजना ला रहे हैं कि चाहे वो जैसा भी काम करना चाहे, 10 हज़ार लेना है लोन, 50 हज़ार लेना है, सभी तरह की योजनाएं लाते हैं और ला रहे हैं, बजट में भी दिख रहा है। और युवाओं के लिए स्टार्टअप करते हैं, कोई रोजगार शुरू करते हैं, तो उसको ब्याज मुक्त लोन देने का जो उन्होंने कहा है कि 1 साल के लिए वो ब्याज मुक्त रहेगा जो भी लोन वो लेते हैं, तो इससे। और किसानों के लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा काम करती आ रही है, और इस बजट में भी उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं ध्यान में रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम देश को जो सरकार, भारत सरकार के द्वारा पिछले 10 साल में बदलते हुए देख रहे हैं, 2047 तक 100% विकसित भारत बनेगा। हमारा विश्व में विश्व गुरु भी बनने की ओर है, विश्व में हम लोग विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। 2047 तक उस लक्ष्य को अचीव भी शायद कर लेंगे, जैसा कि बजट में हमें दिख ही रहा है। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद।